दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अलग अलग ड्यूरेशन पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं बाकी जैसे बैंकों में होते हैं। तो SBI के अंदर अगर आप 8 अगस्त 2024 के बाद में फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाते हैं तो आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं यानी कि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप 3 करोड़ से ज़्यादा की फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाते हैं तो उसके इंटरेस्ट रेट जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीज़न के लिए अलग अलग दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, सीनियर सिटीज़न को कुछ इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा मिलता है, काफ़ी सारे केसेस में 0.5 होता है, कुछ केसेस में 1% तक का भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिन तक के फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 3.5% का। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है तो आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, वो सोचते हैं अगर हम 7 दिन के लिए FD करवाएंगे, 1000 रुपये जमा कराएंगे तो हमें क्या 4%, यानी कि इसका 4% होता है 40 रुपये, तो हमें क्या 40 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, ये जो 40 रुपये 4% है ये 365 दिन का होता है, पर NM के हिसाब से कैलकुलेशन करी जाती है। तो ये आपको 7 दिन का ही मिलेगा, यानी कि 1 दिन का आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे बहुत कम होता है। तो अगर आपको FD करवानी है तो 7 से 45 दिन की ना करवाएं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखेंगे आप 3.5-4% का है, जो कि आपको सेविंग अकाउंट में ही मिल जाता है 3-4%। तो उससे ज़्यादा समय की फिक्स डिपॉजिट करवानी है तो कम से कम आधे साल की यानी कि 180 दिन या उससे ऊपर की करवाएं। जैसा कि आप यहाँ भी देखेंगे ना, 46 से लेकर 179 का 5.5% और 6% का इंटरेस्ट रेट है, इतना कुछ खास नहीं है, फिर भी अगर आप करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो 180 दिन से लेकर 210 दिन की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 6.25% 6.25, सीनियर सिटीज़न को 6.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। 211 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 6.5% और सीनियर सिटीज़न को 7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल तक की FD करवाते हैं तो आपको 6.8% और सीनियर सिटीज़न को 7.3% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें, 2 साल से लेकर 3 साल तक आपको 7% मिलेगा और 7.5% मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है 2 से 3, लेकिन ये भी आपको नहीं करवानी। कौन सी करवानी है उसकी भी बात अभी अपन करेंगे। 3 साल से लेकर 5 साल तक आपको वापस देखेंगे आप कम हो गया, यहाँ से बढ़ रहा था और यहाँ पर आप वापस देखेंगे 3 से 5 साल पे कम हो गया, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है, 2 से 3 के बीच में मिल रहा है। उसके अलावा सीनियर सिटीज़न को 7.5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 5 से 10 साल की अगर आप FD करवाते हैं तो 6.5% और 7.5%, यहाँ आप देखेंगे पूरा पूरा 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। अभी तक अपन ने जितने भी केस देखे थे वहाँ पर आपको 0.5% ही एक्स्ट्रा मिल रहा था। इसके अलावा अमृत कलश करके एक फिक्स डिपॉजिट होती है 400 दिन की, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है 7.1% का, लेकिन आपको ये फिक्स डिपॉजिट भी नहीं करवानी है अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना है। तो आपको करवानी है ये वाली अमृत वृष्टि डिपॉजिट, जो कि अभी नई ही लॉन्च करी है SBI ने, 7.25% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है और सीनियर सिटीज़न को 7.75% का SBI के अंदर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और कितने ड्यूरेशन की FD है ये देखेंगे आप, केवल 444 दिन, आपको 444 दिन के लिए पैसा SBI के अंदर जमा करके रखना है। अब काफ़ी लोग सोचेंगे, 1 साल पे आपको 7% के आसपास मिल रहा है तो 444 दिन पे 7.25 मिल रहा है तो क्यों करवाएं? तो ये देखिए, 7.25 जो है यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा PA लिखा हुआ है, यानी कि पर NM है। 444 दिन पे आपको कैलकुलेशन होकर ये जो इंटरेस्ट रेट है पर एनम, मतलब 365 दिनों का है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 444 दिन के हिसाब से, उतना ब्याज आपको मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए इस FD में जमा कराते हैं तो आप ये देख सकते हैं इतना पैसा आपको वापस मिलेगा 444 दिन के बाद में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और भी बैंकों की फिक्स डिपॉजिट के बारे में आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।